नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ग्रह ऑनलाइन चैनल। बिजनौर में एक ऐसा मंदिर जहां उतरती है कांवड़ियों की थकान। इस प्राचीन भैरव बाबा के मंदिर में सोटे से थकान भी पल भर में उतर जाती है। बिजनौर के नजीबाबाद में मोटा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिनों में हजारों कांवड़िए बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अन्य जिलों से भी बिजनौर के नजीबाबाद के रास्ते से ही होकर गुजरते हैं। हरिद्वार से चलकर मोटा महादेव मंदिर पर शिव भक्त पहला पड़ाव मोटा महादेव मंदिर पर आते हैं। वहीं भैरव बाबा का सोटा लगाकर अपनी थकान दूर करवाते हैं। वहीं सरकारी डॉक्टर का भी यह कहना है कि हमें शिव भक्ति की सेवा करना अच्छा लगता है। हम 10 साल मोटा महादेव मंदिर पर कैंप लगा रहे हैं। अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा की हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। वहीं पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जनपद बिजनौर में दिखाई दे रहे हैं। जनपद बिजनौर से समाचार गृह के लिए अमीन अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि नाथ है और मैं यहाँ पे पिगारी हूँ और लगभग 32 साल मुझे यहाँ पे हो चुके हैं और मेरे पूर्व 1600 बरिस भी थे यहाँ बाबा के पास। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लोग कई कई घंटे लाइन में लगते हैं और यहाँ है बाबा को देखते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज अगर एक है तो कल चार हो जाते हैं, क्योंकि जब आदमी की मनोकामना पूरी होती है तो वो तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ से हमारी मनोकामना पूरी हो रही है हम उससे ही आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं बाबा का आशीर्वाद आपकी तरफ भेंट करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करूँगा कि आप सब खुश रहें, अपने परिवार में सुख शांति। पंडित जी, यहाँ पर एक ग्राम की छोटा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पे भैरव जी का एक छोटा है जो सदियों पुराना है और यहाँ जो कांवड़िए आते हैं, कुछ दर्द से बेचैन होते हैं, दर्द होता है, उनको 3 छोटे मारे जाते हैं जिससे उनकी थकान तत्काल दूर हो जाती है और वो खुद दौड़ते हुए चले। हरिद्वार का पहला पड़ाव मोटा महादेव मंदिर है, यहीं सब आकर रुकते हैं, जय चढ़ाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेके आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश निराला है, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीरबा। डॉक्टर साहब, कितने सालों से कैंप लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत एक करीब 10 साल से कैंप लग रहा है। मेरी नई नई तैनाती हुई है अभी पिछले साल, तो मेरे लिए दूसरा शुभ अवसर है, मुझे यहाँ कैंप लगाने का मौका मिल रहा है। हमारे 2 कैंप लग रहे हैं, एक हमारा भगू वाले पर लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है। डॉक्टर साहब, कितने मरीज आए हैं आप तक, शिव भक्त कितने आए हैं आपके पास? कल जो है करीब मरीज थे 350 और आज जो है 80 के ऊपर मरीज अभी तक आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसा लगता है इनकी सेवा करना आपको? बहुत बढ़िया, सेवा के क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं और सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमारे माध्यम के चैनल से क्या मैसेज देना चाहते हैं देश दुनिया को? क्या मैसेज देना चाहते हैं देश दुनिया को यहाँ से? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जो कि सेवा से ही जुड़ा हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि हमें सेवा करने के बदले पैसे भी मिलते हैं, जबकि और जगह लोग पानी पीने के लिए पंडाल लगाते हैं, शरबत बांटते हैं, निःशुल्क करते हैं और हमें सेवा करने के उपज में पैसे भी मिलते हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने और ईश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम लोगों की सेवा कर सकें। कांवड़ व्यवस्था को देखते हुए सुचारू बहुत अच्छी तरह चल रही है जी, बताइए। ये कांवड़ के लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा है, विशेषकर हमारा जोर ट्रैफिक व्यवस्था पर है। कल 2 क्वार्टी भी बना दी गई हैं ट्रैफिक की, एक नजीबाबाद क्षेत्र में, एक जो है मंडावली क्षेत्र में रहेगी, ताकि कांवड़ियों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से होता रहे। इसके अलावा सादे में भी कांवड़िए लगाए गए हैं ताकि किसी भी लाइन ऑर्डर की स्थिति में उनकी मदद ली जा सके। इसके अलावा पब्लिक के लोगों की भी मदद ली जा रही है इस काम।